अब इसमें डालते हैं दोस्तों बारीक कटा टमाटर। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सेव टमाटर दूध में, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं बाड़ी में मिर्च लेने के लिए, मिर्च और धनिया। तो हम फटाफट से मिर्च और धनिया तोड़ लेते हैं। धनिया दोस्तों हमने तोड़ लिया है और काफ़ी खुशबूदार बनी है, देखो ये काफ़ी है। अब मिर्च तोड़ लेते हैं, हम सारी चीज़ें ताज़ा यूज़ करेंगे। देखो मिर्च इस पेड़ में जो मिर्च है पतली पतली, ये काफ़ी तीखी मिर्च है। कुछ ये भी तोड़ लेते हैं ताकि तीखापन आ जाए सब्ज़ी में। तो दोस्तों हमने मिर्च और धनिया तोड़ लिया है यहाँ से, और देखो हमने काफ़ी वैरायटी की मिर्च लगा रखी है तीखी, देखो वहाँ तक काफ़ी वैरायटी की है, काफ़ी सब्जियाँ लगा रखी है ताज़ा। तो चलते हैं, और इधर देखो बैंगन, और इधर आम, आम भी है। तो अभी चलते हैं फिलहाल अपन। तो दोस्तों तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है, और तेल हमने थोड़ा सा लिया है, थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही तेल चाहिए होता है कि अपना मसाला अच्छे से भुन जाए। बस इसके अलावा हमको तरी की जरूरत तो होती नहीं है इसमें। तो हम इसमें डालते हैं जीरा और कुटा हुआ धनिया। अब इसमें डाल देते हैं प्याज, एक प्याज छोटा प्याज लिया हुआ है, बस ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, छोटा प्याज, और एक छोटी कली लहसुन की। हरी मिर्च, क्योंकि हम तीखी मिर्च का उपयोग नहीं करेंगे इसमें। मिर्च को थोड़ा भूनने देते हैं। अब इसमें डालते हैं दोस्तों बारीक कटा टमाटर। अब इसमें हल्का सा नमक ऐड करते हैं, क्योंकि सेव में काफ़ी नमक होता है, तो हल्का सा ऐड करेंगे बस, हल्की से हल्दी। इसको भूनने देते हैं कुछ देर के लिए। दोस्तों जो हम सेव यूज़ करेंगे उसकी कंपनी आपको बता देता हूँ, कौन सी कंपनी का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से है, थोड़े मोटे हैं। तो दोस्तों ये है श्री अंजनी कंपनी का। अब दोस्तों मसाला हमारा लगभग तैयार हो चुका है, इसमें डाल देते हैं दूध। दूध को चलाना ना भूले, नहीं तो फट जाएगा। अभी दूध को उबलने देते हैं, इसमें थोड़ा दूध और ऐड करते हैं। तो अभी दोस्तों इसको उबलने देते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारा दूध उकाल आने लग गया है, तो अभी कुछ देर और वेट करते हैं, इसको अच्छे से उकाल आने देते हैं, फिर इसमें हम डालेंगे सेव। फाइनली दोस्तों अच्छे से उकाल आ गया है, तो हम इसमें दो कटोरी इस प्रकार से डालेंगे इसमें भर के। तो दो कटोरी भर के हमने डाल दिया इसमें, और इसको और उकाल आने देते हैं अभी। तो दोस्तों देखो अच्छे से उकाल आ गया, अब इसको थोड़ा चला लेते हैं। तो अब इसको कुछ उकाल लेते हैं ताकि थोड़ा गढ़ा जाए, इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। और मसाला दोस्तों अपने हिसाब से डालें, क्योंकि मसाला सेव में भी काफ़ी होता है, तो नमक वगैरह मिर्च वगैरह जो भी अपने हिसाब से यूज़ करें। फिलहाल हमने इसमें हरी मिर्ची यूज़ की है, ग्रीन चिली,
और लाल मिर्च का यूज नहीं किया है। ये देखो दोस्तों, लगभग हमारी सेव गल चुके हैं अच्छे से। ये पूरी सब्जी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों सेव हमारे नीचे बैठने लग गए हैं, इसका मतलब सेव हमारी गल चुके हैं। और इसमें डाल देते हैं हरी धनिया जो हम लेके आए थे, बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा। देखो फाइनली दोस्तों हमारे सेव टमाटर बनके तैयार हो गया है।